हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप फ्रेंड्स, जिस वीडियो को देखें प्रू में, यानी फ्रेंड्स ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो है, तो सेम इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखिएगा और फ्रेंड्स पूरी ध्यान से देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट नेम का जो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 9x16 का जो रेशियो है इस रेशियो को ले लीजिएगा और यहाँ पर नीचे आइएगा। आने के बाद फ्रेंड्स यहां से फिल का जो ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे फोटो डिटेक्शन का जो ऑप्शन मिलेगा, यहां से आपको 4 सेकंड पर आपको लेना होगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो भी फोटो को ऐड करना है उस फोटो को फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो फोटो है, आपका फोटो जहाँ भी होगा, जिस फोल्डर में होगा, वहाँ से आपको ऐड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जल्दी से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। आपको फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से आपको फोटो को ऐड कर लेना होगा फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार से। उसके बाद यहाँ से बैक आइएगा, उसके बाद यहाँ पे शुरू में आ जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस फोटो को आपको एडजस्टमेंट कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे फ्रेंड्स ये वाला जो फोटो है हल्का सा इधर है फ्रेंड्स, इसको बीच में करना है तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे पैन एंड जूम का, और इसको इस तरह से बीच में कर लेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इक्वल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। सेम इसी प्रकार से आपको फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना होगा, फिर इसी पर क्लिक करना होगा फोटो पर और यहाँ बिगिनर का जो ऑप्शन मिलेगा इसको आपको इनेबल कर देना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सभी फोटो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जल्दी से इसको इनेबल कर लेता हूँ, देख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से आपको फोटो को इनेबल करते जाना होगा और फ्रेंड्स उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो फोटो, इस पर क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पे आ जाएंगे क्लिप ग्राफिक में। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो है क्लिप ग्राफिक है इन एनिमेशन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ जो स्टोर का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्रेंड्स आपको स्टेप बाई स्टेप करके इसमें आपको ऐड कर लेना होगा, देख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो भी इसमें से एनिमेशन अच्छा लगता है आप फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप करके आप ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार से। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से इसको भी ऐड कर लेता हूं। आपको बताने के लिए फ्रेंड्स यहां पे 3 फोटो में हम ऐड कर लिए और यहां से ओके पर क्लिक कर दिए। आपको फ्रेंड्स इन सभी में आपको ऐड कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे ये जो प्लस का आइकन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ब्रश ड्रॉइंग, इसको आपको डाउन कर लेना होगा। यहां फ्रेंड्स स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली आप डाउन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करता हूं और फ्रेंड्स इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके इसमें भी आपको ऐड कर लेना होगा, जितना इसके आगे आपको प्लस मिलेगा सभी प्लस के पास। तो फ्रेंड्स यहां पे हम जल्दी से ऐड कर लेता हूं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे आपको जितना भी प्लस मिलेगा सभी में आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको सेव कर लीजिएगा, शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेव एज वीडियो का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बैक आइएगा, फिर से यहाँ क्रिएट नेम का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से 9x16 का जो रेशियो इस रेशियो को ले लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अभी आप जिस वीडियो को सेव किए हैं उस वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से डन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं वही वाला जो वीडियो है हम अभी सेव किए हैं यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से आपको भी सेव कर लेना होगा। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D पर आ जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेयर का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, और इसको छोटा करेंगे देख सकते हैं, और यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कर लेना होगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको जाना होगा लेयर में और मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो इमेज है फ्रेंड्स इसको लेना होगा, देख सकते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट जो पार्ट है इसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आ जाना होगा ब्लेंडिंग में और यहाँ से मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिएगा और इसका ड्यूरेशन इससे बढ़ा लीजिएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका वीडियो जितना बड़ा होगा उतना पर आपको यहाँ तक रख लेना होगा और यहाँ शुरू में आइएगा। उसके बाद इसको जूम कीजिएगा, इतना आपको कर लेना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं, और जस्ट इसके ऊपर आपको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद ये वाला जो वीडियो इस पर क्लिक करेंगे और इसको इसमें एडजस्टमेंट कर लेना होगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा और यहाँ से डन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो हम लगाए हुए सबसे फर्स्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन वाला में एडजस्टमेंट में। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स सैचुरेशन का ऊपर से 3 नंबर, इसको यहाँ से -100 कर लेंगे, देख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा फोटो, देख सकते हैं
कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना होगा लेयर में और मीडिया में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है फ्रेंड्स ब्लैक वीडियो, इसको लेना होगा। और फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन वाला में आ जाएगा, ब्लेंडिंग में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिएगा, इसको देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक करना होगा और सबसे पहले यहाँ से ड्यूरेशन को इस तरह से फुल कर लीजिएगा, आपका वीडियो जितना बड़ा है वहाँ तक कर लीजिएगा। और इसको जूम कीजिएगा इस तरह से, और इसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा, देख सकते हैं। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे डन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना होगा लेयर में और मीडिया में आइएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद में ये बार जो लिरिक्स वीडियो है इसको आपको लेना होगा, और उसके बाद इसको हल्का सा आगे लाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन वाला में आ जाएंगे, ब्लेंडिंग में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे और इसको जूम कर लेंगे, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी जूम कर लेना होगा और जस्ट यहाँ पर इसको ऐड कर लेना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। आप अपने अनुसार से इसको जूम भी कर सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना होगा लेयर में और मीडिया में आइएगा। फ्रेंड्स यहाँ से व्हाइट जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसका ड्यूरेशन इस तरह से बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स, दोनों साइड से यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ शुरू में आइएगा और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और यहाँ से डन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखिएगा, तो फ्रेंड्स वीडियो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपको भी बना लेना होगा। और फ्रेंड्स इसमें हम जो भी मटेरियल यूज़ किए हैं इन सभी का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिल जाएगा, दोनों जगह से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे सेव एज वीडियो का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।